Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, today we will discuss the unit number 16, measures of length. So let's start from the assignment number 1. Exercise number 16A and the first question is change into centimeters. तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में मीटर्स में दिए हुए हैं, ठीक है, हमने उनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में. सो आपको पता है ना हमारे पास ये रिलेशन होता है, 1 meter इज इक्वल्स टू 100 centimeter, ठीक है, 1 meter में 100 centimeters होते हैं. सो अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई. ठीक है, ठीक है. तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3 meter, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है. स्टूडेंट्स 3 meter को सेंटीमीटर में चेंज करना है. हमें पता है 1 meter इज इक्वल्स टू 100 centimeter, तो 3 meter में कितने होंगे, 3 meter इज इक्वल्स टू 3 into 100, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 300 centimeter. ठीक है, अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई. ओके, सो 3 meter इज इक्वल्स टू 3 into 100 इज इक्वल्स टू 300 centimeter. क्लियर. सेम फॉर द अदर्स, जैसे हमारे पास है 56 meter, मीटर में है उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 100, इट बिकम्स 5600 centimeter. ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 5 meter 90 centimeter. 5 meter 90 centimeter पूरा जो है हमारे पास, इस पूरे को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है, ओनली सेंटीमीटर में. तो हमारे पास एक टर्म जो है वो सेंटीमीटर में ही गिवन है 90, ठीक है, बट दूसरा नंबर मीटर में गिवन है, तो हमने जिसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 meter 90 centimeter, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 multiply by 100 centimeter, ठीक है, जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा. और जो दूसरा पार्ट हमारा सेंटीमीटर में पड़ा हुआ है उसे हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे. क्लियर. सो हमारे पास आ जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस जो गिवन था क्वेश्चन में ही वो वाला ऐड कर देंगे 90 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 590 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सेम फॉर द अदर क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे हमारे पास गिवन है 47 meter 9 centimeter, तो हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है मीटर वाली टर्म को सेंटीमीटर में, जो सेंटीमीटर में है उसे नहीं कुछ भी करना हमने, ठीक है. तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 47 multiply by 100, हमारे पास वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो जो गिवन सेंटीमीटर्स है उनको क्या कर देंगे, उसमें ऐड. ठीक है, 4700 centimeter प्लस 9 centimeter, इट बिकम्स 4709 centimeter. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इनटू मीटर्स. हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, ठीक है. तो जैसे हमने मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते थे तो हम 100 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई. जब हमने अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से करेंगे डिवाइड, ठीक है. सेम वही रिलेशन यूज होगा हमारे पास, 100 centimeter इज इक्वल्स टू 1 meter, ठीक है. तो जब हमने इनको चेंज करना है सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 से डिवाइड करो. ओके, तो 400 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड, 400 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, इट बिकम्स 4 meter, ठीक है. 3500 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, 35 divided by 100, इट बिकम्स 35 meter. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज चेंज इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. फोर्थ क्वेश्चन में आपने मीटर्स और सेंटीमीटर्स दोनों में चेंज करना है, सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. अब सेंटीमीटर गिवन है ना स्टूडेंट्स, हमने मीटर में भी चेंज करना और सेंटीमीटर में भी, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हो ना आप. तो जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे, 318 divided by 100, तो आपको पता है 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 zeros हैं, तो 2 digits में हमारे वो क्या आएंगे, हमारा रिमाइंडर, ठीक है. आप यहाँ पे साइड पे डिवाइड करके भी देख सकते हो, 318 divided by 100, तो पहले 3 पे जाएगा, 100 3 300, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 18 रिमाइंडर आ जाएगा. ओके, तो जो हमारा कोशियंट है
वो क्या हो गए हमारे मीटर्स, और जो रिमाइंडर है वो होंगे हमारे सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आया 3, रिमाइंडर आया 18. सो 318 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 meter 18 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू मीटर्स. अब हमारे पास स्टूडेंट्स किलोमीटर्स गिवन है, हमने उनको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो हमें रिलेशन पता है ना क्या होता है, 1 kilometer इज इक्वल्स टू 1000 meter. ठीक है, 1 kilometer में होते हैं हमारे पास 1000 meter. सो हमने अब 4 kilometer को कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो 4 kilometer इज इक्वल्स टू 4 multiply by 1000, इट बिकम्स 4000 meter. जब आप उस कोई भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर गिवन नंबर जो किलोमीटर में है, तो अगर आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में आ जाएगा, मीटर में. ठीक है, 90 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 90 multiply by 1000, इट बिकम्स 90,000 meter. क्लियर स्टूडेंट्स. एंड द नेक्स्ट इज 3 kilometer 143 meter. 3 kilometer 143 meter को आपने चेंज करना है मीटर्स में. तो सेम जैसे हमने सेंटीमीटर मीटर में किया था, ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते थे, यहाँ पे आप क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे. मीटर जो हमें मीटर में ही गिवन है नंबर, उसे आपने चेंज नहीं करना. ठीक है, तो इसमें हमने चेंज करना है 3 kilometer को. किलोमीटर में 1 kilometer इज इक्वल्स टू 1000 meter. सो 3 kilometer इज इक्वल्स टू 3 into 1000, और जो हमारे पास पहले मीटर्स हैं उनको क्या कर देंगे, उनमें ऐड, प्लस 143 meter, इट बिकम्स 3000 meter प्लस 143 meter. तो हमारे पास ऐड करने पे मीटर्स आ जाएंगे 3143 meters. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इनटू किलोमीटर्स. अब हमारे पास मीटर्स हैं, हमने इनको किलोमीटर्स में चेंज करना है. तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास किलोमीटर्स थे तो हम उनको मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया था. अब उसका ऑपोजिट है, रिवर्स है. ठीक है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड. ठीक है, तो 3000 meter इज इक्वल्स टू 3000 divided by 1000, इट बिकम्स 3 kilometer. ठीक है, जब आप इस नंबर को, मीटर वाले नंबर को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे किलोमीटर्स. क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे 8000 meter है तो 8000 divided by 1000, इट बिकम्स 8 kilometers. ओके, तो जब हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स. नेक्स्ट में हमने किलोमीटर्स और मीटर्स दोनों में चेंज करना है, हमारे पास मीटर्स गिवन है. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3512 meter, तो हमने इसे किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है. तो स्टूडेंट्स जब हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड. ठीक है, जब हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 में कितनी जीरोज हैं, 3 zeros हैं, तो इट मीन्स लास्ट 3 digits उसका रिमाइंडर आएंगे. ठीक है, और जो फर्स्ट डिजिट है वो उसका कोशेंट आएगा बाकी का. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोशेंट आ गया 3, रिमाइंडर आया 1512. अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप इनको डिवाइड करके भी देख सकते हो. ठीक है, 3512 को डिवाइड कर रहे हो आप 1000 से. ठीक है, तो पहले ये कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा ना, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 512. अब 512 तो 1000 से छोटा है ना, तो इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो इट मीन्स इट इज़ द रिमाइंडर. और जो आपका रिमाइंडर होगा उसे आपने क्या लिखना है, वो होगा आपके मीटर्स, और जो आपका कोशियंट है वो क्या होंगे, आपके किलोमीटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमने इसे 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 कोशियंट आया और रिमाइंडर आया 512. सो 3512 meter इज इक्वल्स टू 3 kilometer 512 meters. ओके, तो ऐसे हमने मीटर को किलोमीटर और मीटर्स में कन्वर्ट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स, सो होप यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो प्लीज ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एट योर होम्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.